हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है एन हुक के साथ जब हम हाविंग करेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हमारी एग्जांपल है फाइंड की। फाइंड में देखो हमारा एन हुक भी यूज़ होगा और लास्ट में टी या डी है, तो इस केस में डी है हमारा, तो इसको हम हाफ कर देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे फाइंड, यानी कि आई यूज़ हुआ है तो फर्स्ट प्लेस वाउल यूज़ हुआ है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे फाइंड। ठीक है, ये हमने इसको हाफ कर दिया और ये हमारा एन हुक यूज़ हुआ है लास्ट में। तो एन हुक का पूरा टॉपिक मैंने लास्ट के वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी इवेंट की। तो इवेंट को हम कैसे लिखेंगे, तो इवेंट में सेकंड प्लेस वाउल यूज़ हुआ है, तो ये हमारा आएगा वी और ये इसको हम कर देंगे हाफ, तो ये हमारा बन जाएगा इवेंट। तो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है डिमांड। डिमांड को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा डा और एम को हम हाफ कर देंगे, लास्ट में हमारा हुक जो है वो हाफ हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया डिमांड। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है अमाउंट। अगर हमें अमाउंट लिखना हो तो ये हमारा अमाउंट है, हमारा फर्स्ट प्लेस वाउल है, तो एम को हम हाफ कर देंगे। ठीक है, ये हमारा डिफथांग यूज़ हुआ है, तो ये हमारा बन गया अमाउंट। ये वो केसेस थे जिनमें हमने एन हुक लास्ट में यूज़ किया है। अब हम देखेंगे एफ़ या वी हुक के साथ हम हाविंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसकी पहली एग्जांपल है हमारी, अगर हमें लिखना हो सर्व्ड। ठीक है, तो इसमें हमारा वी यूज़ हुआ है और हाविंग भी यूज़ हो रही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। सर्व्ड को हम लिखेंगे इस तरह से सा, ये रा को हमने हाफ कर दिए और ये हमारा आ गया वी हुक। ठीक है, तो ये हमारा बन गया सर्व्ड। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हमारी गिफ्ट। तो गिफ्ट में हमारा एफ हुक जो है वो यूज़ हुआ है, एफ़ और वी हुक लिखने का। ठीक है, तो इस केस में हमारा एफ हुक जो है वो यूज़ हुआ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। गिफ्ट को हम लिखेंगे इस तरह से, गा को हम हाफ कर देंगे तो हमारा एफ हुक भी आ जाएगा उसमें और टी हुक भी, जो हमारा टी है हाफ वो भी आ जाएगा, हाविंग भी इसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने गा को हाफ कर दिया और ये हमारा एफ हुक इस तरह से, इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये हमारी एफ हुक भी इसमें आ जाएगी, तो ये हमारा बन गया गिफ्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी ड्राफ्ट की। ड्राफ्ट हमारा फर्स्ट प्लेस वॉवल है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। डी को हमें हाफ कर देना, इसमें एफ हमारी हुक यूज़ हो रहा है और हाविंग भी यूज़ हो रही है, तो ये हमारा डी आर, ये हमारा आर हुक है। ठीक है, ये हमने पढ़ चुके पहले, एफ के लिए हमें इसको क्लॉकवाइज यूज़ करना है, तो ये हमारा बन गया ड्राफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट अगर हमें लिखना हो डिज़र्व्ड, तो डिज़र्व्ड को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा डा, ये एस, आर को हमने हाफ कर दिया, तो ये हमारा वी हुक आ गया, तो ये हमारा बन गया डिज़र्व्ड। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व्ड। उसके बाद लास्ट एग्जांपल हम देखेंगे ऑब्जर्व्ड की। तो रिजर्व्ड को अगर हमें लिखना हो, रिजर्व को हम इस तरह से लिखेंगे रा सा, या इसको जा कहते हैं, ये हमारा वा और ठीक है, ये हमने वा हुक, वी हुक हमने यूज़ किया, तो ये हमारा हाफ, इसको हमने हाफ किया, तो ये डी भी इसमें इंक्लूड हो गया, तो ये हमारा बन गया रिजर्व्ड। ऑब्जर्व्ड को हम इस तरह लिखेंगे, ये हमारा बा जा रा को हाफ कर दिया, तो उसके बाद वी हुक हमारी आ गई, ये हमारा बन गया ऑब्जर्व्ड। तो इसी के साथ कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, सॉरी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो शॉर्ट फॉर्म्स मैं आपको बता देता हूँ, ये आपने याद रखनी है। सबसे पहले हमारी है जेंटलमैन। जेंटलमैन इस तरह से हाफ हमारा आएगा, ठीक है, ये हमारा बन गया जेंटलमैन। और मैन, मैन जब होगा, मैन होगा तो ऊपर, मैन होगा तो इसी को हम जा को नीचे बनाएंगे। कैन नॉट हमारा, ये हमारा का, इसको हमने हाफ कर दिया और ये एन, ये हमारा बन गया कैन नॉट। उसके बाद टोल्ड, टोल्ड को हमें लिखना हो तो टोल्ड के लिए ये साइन है। ट्राइड, तो ये ट्राइड हमारा ये साइन है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा ट्राइड इस तरह से। ट्रेड, अगर हमें ट्रेड को लिखना हो तो ट्रेड,
नीचे आएगा, ट्राइड आएगा ऊपर क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस है, तो ट्रेड आएगा क्योंकि सेकंड प्लेस है, तो ऑन द लाइन आया। थर्ड को हम किस तरह से लिखेंगे, ये हमारा थर्ड बन गया इस तरह से, ठीक है। ये हमारा आर, ये था और हाफ किए तो डा बन गया, तो ये हमारा बन गया थर्ड। हैड नॉट और डू नॉट का साइन सेम ही है, तो ये इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद हमारा डिड नॉट, हैड नॉट, डिड डू नॉट ऊपर आएगा और डिड नॉट नीचे आएगा इस तरह से। अगर हमने लिखना हो डज नॉट, तो डज नॉट हमारा आएगा डा, ये हमारा जा, ना को हमने हाफ कर दिया, तो ये हमारा बना डज नॉट। अगर हमने हैव नॉट, ये हमारा बन गया है, ये हमने वा को शॉर्ट कर दिया, तो ये हमारा बन गया हैव नॉट। वॉन्ट को अगर हमें लिखना हो, तो ये हमारा, इसको हम हाफ करेंगे, वॉन्ट, ये हमारा बन गया इस तरह से। अगर इजेंट को लिखेंगे, ये हमारा इज हाफ हो गया, ये एन हुक हमने दे दी, तो ये हमारा बना इजेंट। अगर हमें लिखना हो कुड नॉट, तो कुड हमें इस तरह से लिखना होगा, ये हमारा कुड का, ये डा को हमने हाफ कर दिया, तो ये हमारा बना कुड नॉट। तो ये हमें एन हुक भी बनाना है इसमें, ये का डा और ये हाफ एन हुक, ये हमारी बनेगी कुड नॉट। कैन नॉट को लिखना हो तो ये इस तरह से, कैन नॉट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अगर कैन नॉट कांट को लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, और कैन नॉट दोनों अलग अलग हैं, तो अगर इनको लिखना हो तो उनको अलग अलग साइन है, ये हमारा कैन का है, ये हमारा नॉट का है, तो ये हमारा बनेगा कैन नॉट। सो थैंक यू गाइस।